इस तरह से कच्चे केले का वड़ा बनाएंगे तो घर में बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। केला का वड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। कच्चे केले का वड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 4 केला। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। केले को काट कर केले के छिलके को हम छील लेंगे। इसी तरह से हम सभी केले को एक एक करके छील लेंगे। यहाँ मैंने सभी केले को अच्छे से छील कर धो लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे। कुकर में 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे और अब हम इसमें सारे केले को डाल देंगे। और इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे और आप चाहे तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। कुकर का ढक्कन बंद कर केले को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर 2 विसल आने तक केले को पकाएंगे। 10 मिनट हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। ये देखिए कुकर हमारा ठंडा हो गया है। हम इसे खोल करके उबले हुए केले को हम कुकर में से निकाल लेंगे। और अब हम केले को मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन केला को ठंडा होने दें। ये देखिए केले को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। एक ग्राइंडर लेंगे, इसमें 15 से 20 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे और एक टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक का ऐड करेंगे और 3 बड़े टुकड़ों में कटा हुआ हरा मिर्च ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को सूखा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे इस तरह। एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म पैन में 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है, इस टाइम पे हम इसमें 1/2 चम्मच सरसों के दाने ऐड करेंगे और सरसों के दाने को अच्छे से चटकने देंगे। और अब हम इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का दरदरा पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन मिर्ची के पेस्ट को 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पैन में भून लेंगे। इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसे भी मिलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड करें, नहीं तो स्किप करें। इसमें 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को मिलाते हुए 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इस टाइम पे मैश किया हुआ केला इसमें ऐड करेंगे। सॉरी, मैश किया हुआ केला ऐड करते समय मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। मैश किया हुआ केला ऐड करके इसे भी हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे सभी इंग्रेडिएंट में अच्छे से फ्लेवर मिक्स हो जाए। और लास्ट में इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। वड़ा बनाने के लिए हम यहाँ बेसन का बैटर बनाएंगे। बेसन का बैटर बनाने के लिए 1 कटोरी बेसन लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे।
स्वाद अनुसार या हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे, हाफ चम्मच मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेसन और मसालों में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बेसन का एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, घोल या बैटर तैयार करेंगे। बैटर में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे जिससे बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा बैटर हमें चाहिए। पानी ऐड करके बेसन को अच्छे से मिला लेंगे ताकि बैटर में एक भी लम्स ना रहे। ये देखिए बैटर हमारा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। बैटर हमारा इतना ही गाढ़ा होना चाहिए जिसमें वड़ा डिप करने के बाद बेसन का वड़ा के ऊपर एक अच्छा सा कवर बन सके। बैटर को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। केला का मसाला हमारा ठंडा हो गया है, हम इसे एक बार हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। हाथों से मिलाने के बाद अब हम इसका छोटे छोटे साइज में वड़ा बना लेंगे। इसी तरह हम सारे केले के मिक्सचर का छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने सभी का बॉल बना के तैयार कर लिया है और अब हम केले का वड़ा बना लेंगे। वड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। बैटर लेंगे, उसमें एक बॉल डिप करेंगे और उसे बेसन में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। और आप चाहे तो इसे हाथ से, नहीं तो चम्मच से ही कढ़ाई में डाल सकते हैं। वड़ा बनाते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे जिससे वड़ा हमारा जले ना। वड़ा बनाने के लिए कढ़ाई में हम एक एक करके वड़ा को फ्राई करेंगे। वड़ा को पलटते हुए सभी तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि वड़ा हमारा कच्चा ना रहे। वीडियो में बताए गए तरीके से हम एक एक करके सभी वड़ा को बना लेंगे। आप भी इसी तरह अपने घर में सभी वड़ा को एक एक करके फ्राई करें ताकि सभी वड़ा अच्छे से बन के तैयार हो। वड़ा फ्राई हो गया है, इस टाइम पे हम इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों वड़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। आप इसे चटनी, सॉस किसी के भी साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस होता है।